बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि जो तरबूज होता है, जिसको अदवाना भी कहा जाता है, तो क्या उसमें इंजेक्शन लगाया जा सकता है या नहीं। इस वीडियो के आखिर पर आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा, जिस वीडियो को देखने के बाद आपके जहनों में जितने भी डाउट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम बहस छिड़ी हुई है कि इंजेक्शन लगाए जाते हैं तरबूज को, और ये जो तरबूज आप खाते हैं इसके बाद आपको हैजा हो जाता है, आपको आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि इस तरबूज में इंजेक्शन लगाए जाते हैं। क्या तरबूज में इंजेक्शन लगाया जा सकता है या नहीं, मुकम्मल इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि पूरी मालूमात आप तक पहुंच सके। देखें, मैं एक गांव से मेरा तलक है और मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन ये शेयर करना चाहूंगा कि मैं हमारे घर में अपने घर में खीरे अक्सर हम लगा लेते हैं, तो मैं अगर खीरा खाऊं तो मुझे खीरा भी हजम नहीं होता, मेरा मैदा खीरे को हजम नहीं कर सकता, मेरे मैदे में प्रॉब्लम है। इसी तरह कुछ बंदे ऐसे दुनिया में मौजूद होते हैं कि वो उनके जिस्म में जो लाइट चीजें होती हैं वो भी वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और कई ऐसी चीजें भी मौजूद होती हैं कि वो हार्ड चीजें भी, यानी कि गोश्त भी वो हजम कर लेते हैं, लेकिन उनको जो नॉर्मल चीजें होती हैं वो हजम नहीं होते, कच्चा सलाद उनको हजम नहीं होता। इस तरह दुनिया में कई लोग पाए जाते हैं। इसी तरह अगर किसी को तरबूज हजम नहीं हो रहा तो इसमें जो मेन मसला है वो उस शख्स के मैदे के साथ जो मसला है उस वजह से उसको तरबूज हजम नहीं हो रहा, या वो जरूरत से ज्यादा तरबूज खा रहा है जो कि एक उस इंसान को उस चीज की जरूरत नहीं है। पहले वो शख्स पूरा पेट भर कर खाना खा रहा है और बाद में ऊपर से तरबूज भी खा लेता है, तो जब भी आप ओवर ईटिंग करते हैं, चाहे वो आप कोई भी चीज अगर खा लें तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपको फूड पॉइजन हो जाता है, किसी को सर्दी के साथ फूड पॉइजन हो जाता है, किसी का अगर कोई गोश्त खाता है तो उसको फूड पॉइजन हो जाता है। देखिए, मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर एक डॉक्टर साहब है वो ये कह रहे हैं कि तरबूज में इंजेक्शन लगाए जाते हैं। एक इंजेक्शन लगाने के लिए एक बंदे के पास एक सरिंज होनी चाहिए, और ये जो लोग तरबूज बेचते हैं, एक तरबूज के ट्रक में कम से कम हजारों के करीब तरबूज होते हैं, तो तरबूज में इंजेक्शन लगाने के लिए उनके पास हजारों के करीब उनके पास जो अमला है या उनके जितने भी मजदूर हैं जो कि इंजेक्शन लगाना जानते हैं वो उनके पास मौजूद होना चाहिए, क्योंकि जो तरबूज के ट्रक बेचते हैं वो एक ट्रक नहीं बेचते बल्कि दिन में वो 20-30 ट्रक, इवन के 100 ट्रक भी वो लोग बेचते हैं। देखें, इंजेक्शन लगाना, तरबूज में इंजेक्शन लगाना ये एक इम्पॉसिबल चीज है, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। तरबूज में जिस तरह वो कलर बता रहे हैं, जिस तरह वो केमिकल बता रहे हैं, जिस तरह वो तमाम तर चीजें बता रहे हैं, तो उनकी जो परचेज है वो इतनी सस्ती नहीं है। ऐसा काम करना इंतहाई मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। सरिंजे खरीदी जाए, वो मटेरियल खरीदा जाए, इसके बाद लेबर कॉस्ट दी जाए और फिर इंजेक्शन लगाए जाए, और इंजेक्शन लगाने के लिए 10-10, 20-20 हजार तरबूज सामने पड़े हों, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। अब मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूं, यहां पर मैं आपको एक स्क्रीन शॉट दिखा रहा हूं। ये YouTube चैनल के ऊपर मोहसिन भट्टी साहब का चैनल है, आप जाकर इस वीडियो को जाकर गौर से देखें, इन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक एक बात आप इनके चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह एक्सप्लेन किया। वो वीडियो जो उन्होंने वीडियो अपलोड की वो वीडियो मैं अपने चैनल के ऊपर नहीं लगा सकता क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ये सुनी सुनाई बातें जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि तरबूज में इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ऐसा काम बिल्कुल नहीं हो सकता, ये एक सिर्फ मिथ है और इसको मिथ ही तक रहने दें, इसमें रियलिटी नहीं है। आप जाकर मोहसिन भट्टी की वीडियो देखें और जो इस तरह की फेक न्यूज फैला रहे हैं उनके ऊपर, उनकी बातों के ऊपर कान मत धरें,
क्योंकि गरीब की रोजी रोटी का सवाल है। इस तरह कितने जो किसान हैं जो कि तरबूज बेचते हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, उनका कारोबार ठप हो रहा है। तो लिहाजा बराए मेहरबानी मिस इन्फॉर्मेशन आप फैलाई जाए ताकि इन लोगों का कारोबार खराब ना हो और इनकी जो दो टाइम की रोटी है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। मुझे इन लोगों का एहसास है, पूरा पूरा साल ये लोग मेहनत करते हैं और जब मेहनत करने के बाद जब इनको फल मिलने का टाइम होता है तो लोग आकर अपने व्यूज की खातिर लोगों को मिस यहाँ पर उनको डिस इन्फॉर्मेशन फैला देते हैं और उनको गुमराह कर देते हैं। तो डिस इन्फॉर्मेशन से बचें और जाकर मोहसिन भट्टी की वीडियो देखें, आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।